नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पदों पर निकली बम्पर बहाली, जल्द करें अप्लाई। सरकारी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में मैनेजर के कई पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 511 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह बहाली सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, ग्रुप हेड, प्रोडक्ट हेड, डिजिटल सेल्स मैनेजर और आईटी फंक्शनल एनालिस्ट मैनेजर के पदों पर निकाली गई है। इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हुई है और इच्छुक कैंडिडेट 29 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में कैरियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिंक को क्लिक करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन पेज पर जाकर डिटेल भरना होगा और डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद, 30 अप्रैल तक बाजार सिर्फ 7 बजे तक खुलेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को एक सप्ताह और बंद रखने का फैसला लिया है। यानी राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। कोरोना को लेकर नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बिहार के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान पूर्व निर्धारित परीक्षाएं होंगी, लेकिन उसमें कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराया जाएगा। पूरे बिहार में 30 अप्रैल तक सभी दुकान या प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय शाम 7 बजे के बाद तक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25% लोगों को ही बिठाना होगा। अब प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अभी करते रहेंगे नौकरी। जी हां, बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक अभी नौकरी करते रहेंगे। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को हाल ही में संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित दूसरी एजेंसियों को 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इस केस से प्रभावित अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 2.5 से 3 हजार के बीच है। जानकारी के मुताबिक ये वे शिक्षक हैं जिन्हें इंटर में 50% अंक नहीं होने के कारण NIOS ने अभी ट्रेंड घोषित नहीं किया है। साथ ही NIOS के DLA के लिए परीक्षाएं दे चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। NIOS ने रिजल्ट इस आधार पर रोक रखा है कि इन शिक्षकों के इंटर में 50% मार्क्स नहीं थे। बताया जाता है कि जब इन अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तब 50% अंक की बाध्यता नहीं थी। इसी बीच शिक्षा विभाग ने भी सर्कुलर निकालकर इन सभी शिक्षकों को अपात्र मानते हुए पदमुक्त करने के लिए नियोजन इकाइयों से कहा था। फिलहाल एक याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 978 13 नवंबर 2020 द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित शिक्षकों की सेवा पूर्ववत बनाए रखने के लिए कहा है। बिहार के किसानों को बड़ा झटका, नीतीश सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान बंद करेगी। बिहार के किसानों को नीतीश सरकार अब बड़ा झटका देने वाली है। राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाला अनुदान अब खत्म होने वाला है। अनुदान की योजना राज्य सरकार बंद करने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को अनुदान मिलेगा, लेकिन किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक का नहीं होगा। पराली प्रबंधन से जुड़े कुछ यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी अनुमति विभाग को लेनी होगी। पहले कई यंत्रों पर सरकार 90% तक अनुदान देती थी। किसानों को इससे पहले डीजल अनुदान देना सरकार ने बंद कर दिया था और अब यंत्रों पर अनुदान देना बंद कर रही है। इसका अनुमान बीते साल की योजना से ही लग गया था। बीते साल सरकार ने 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था यंत्रों पर अनुदान के लिए की थी। इसके पहले वर्ष में 165 करोड़ और उसके भी पहले लगभग 200 करोड़ तक का अनुदान के लिए पैसा विभाग के पास होता था। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, ईवीएम खरीद पर 12 को हाईकोर्ट में सुनवाई।
ईवीएम से बिहार पंचायत चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर अब 12 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आयोग हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। ईवीएम की खरीद ECIL से किया जाना है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हैं। पटना हाईकोर्ट में ईवीएम पर NOC को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता सोमवार को अपना अपना पक्ष रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। इधर आयोग ने जिलों से 300 से अधिक पंचायतों के नवगठित नगर निकायों में शामिल होने के बाद नवीनतम रिपोर्ट तलब की है। जिलों से कहा गया है कि नवगठित पंचायतों और दूसरी पंचायत में शामिल हुए गांवों को नई पंचायतों में जोड़ते हुए मतदाताओं का ब्यौरा उपलब्ध कराए। इसी आधार पर आयोग स्क्रूटनी कर नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का निर्देश देगा। बिहार में शिक्षकों के वन टाइम ट्रांसफर नियमावली को हरी झंडी, अगले माह से करे आवेदन। बिहार में उन महिलाओं और दिव्यांगों शिक्षकों के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों के बीच तबादले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को उससे संबंधित नियमावली को हरी झंडी दे दी है। इस नियमावली के तहत प्रदेश में करीब 1,00,000 से अधिक महिला एवं दिव्यांग को अपनी पसंद या गृह नियोजन इकाइयों में तबादला हो सकेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि नियमावली मंजूर हो गई है। उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत मई में इच्छुक शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का विरोध तेज, DM से स्कूल खोलने की मांग। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को बंद किए जाने के आदेश के बाद निजी विद्यालय के संचालकों ने विद्यालय खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। करीब 50 की संख्या में शिक्षण संस्थानों के संचालक जिला समाहरणालय पहुंचे, जहां शिक्षण संस्थानों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने नालंदा हेरिटेज स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल RS नेहरा, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक अरविंद कुमार सिंह, स्वतंत्र शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैसलेंद्र कुमार उर्फ भारत मानस, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष रंजन, निजी शिक्षण संस्थान के सचिव महेश प्रसाद शामिल थे। दरअसल राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 अप्रैल तक सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। शिक्षण संस्थान के संचालकों ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल रखा है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि जब अन्य कार्य कोविड गाइडलाइंस के तहत चल रहे हैं, तो ऐसे में विद्यालयों को बंद करना कहाँ तक उचित है। सावधान, बिहार में बढ़ा खतरा, हर 10 मिनट में 13 लोग हो रहे हैं पॉजिटिव, आज का आंकड़ा जानकर दंग रह जाएंगे आप। सावधान, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। इसकी फैलने की रफ्तार दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गुरुवार का आंकड़ा जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल देश भर में कहर बरपाने वाला कोरोना अब बिहार में भी अपना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक हर 10 मिनट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। राजधानी पटना का हाल सबसे बेहाल है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी यह आंकड़ा बूंद बूंद से भरे गागर और गागर से बने सागर वाला होते जा रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के CM नीतीश कुमार समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस इम्पोर्टेंट मीटिंग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और हेल्थ डिपार्टमेंट के अन्य सीनियर अफसर भी शामिल हुए। बिहार में नया कारनामा, पैदा होते ही 8वीं कक्षा पास कर गया बच्चा, मामला जानकर हैरान रह जाएंगे आप। बिहार में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाते हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्चा पैदा होने के 3 दिन बाद ही 8वीं कक्षा पास हो गया। जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई उसके माता पिता भी हैरान और परेशान हैं। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मीनापुर स्थित एक माध्यमिक विद्यालय से ऐसी घटना सामने आई है जो काफ़ी हैरान करने वाली है। दरअसल स्कूल ने 8वीं के एक छात्र को उसके जन्म तारीख के ठीक 3 दिन बाद ही 8वीं पास का TC दे दिया। जब ये मामला प्रकाश में आया तो सबके होश उड़ गए। बिहार में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी की होगी जाँच, 2 माह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश। कोसी नदी की जमाबंदी स्थानीय कुछ लोगों द्वारा अपने नाम से कराने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले के साथ साथ सरकारी जमीन की जमाबंदी के सारे मामले की जांच
कराने के निर्णय भी लिया गया है। 2 माह के भीतर सभी मामले की जांच कराते हुए रिपोर्ट सौंपने का निर्देश बिहार के अंचलाधिकारी को दिया गया है ताकि जमाबंदी रद्द की जा सके। सरकारी जमीन की जमाबंदी नियमतः नहीं कराई जा सकती है, बावजूद इसके अगर कोई इसे फर्जी तरीके से करा लेता है तो उस पर किसी तरह का समाज में विरोध नहीं होता है, चूंकि इससे किसी की रैयती जमीन का इससे कोई वास्ता नहीं होता है। इस वजह से ऐसे मामलों का खुलासा जांच के बाद ही संभव हो पाता है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।